आज की वीडियो में हम ऐसी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए कमजोर दिल वाले और 18 साल से कम आयु के लोग चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एपिसोड 1 में विटाया नाम के एक स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो उस समय काफी ज्यादा डरा हुआ था। तो वो उस समय किसी किताब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस समय स्कूल स्टार्ट होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, जिसके कारण विटाया तेजी से अपनी क्लास की तरफ भागता है। उस समय क्लास नंबर 64 के बोर्ड में सोसाइटी और गवर्नमेंट सब्जेक्ट की बुक का नाम लिखा हुआ था, तो वो वही बुक थी जिसे विटाया अपनी क्लास में ढूंढ रहा था। लेकिन अब उसका समय पूरा हो चुका था, जिसके कारण उस समय विटाया को वहाँ पर किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। तो वहाँ पर किसी औरत की स्पिरिट विटाया के ऊपर हमला कर उसे जान से मार डालती है, जिसके बाद हमें एक वॉइस ओवर के माध्यम से उस रैपिड स्कूल रूम के राज के बारे में पता चलता है। तो उस क्लास रूम में हर सुबह 7 बजे बोर्ड पर आत्मा द्वारा एक रिटर्न नोट छोड़ा जाता है, जहां पर किसी एक सब्जेक्ट की बुक के बारे में लिखा जाता है, जिसके बाद क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स को क्लास स्टार्ट होने से पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक को अपने साथ लेकर आना होगा, नहीं तो श्राप के अनुसार उन बच्चों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हाल विटाया का हुआ था। इसके अलावा उस श्राप के मुताबिक उस आत्मा द्वारा मारे हुए स्टूडेंट की यादें सबके दिमाग से ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगी, जिसके कारण उस समय स्कूल में विटाया के टीचर और बाकी स्टूडेंट्स को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। हालांकि उस क्लासरूम के बच्चों को उस शराब के बारे में पता था, जिसके कारण क्यू नाम का लड़का हर सुबह 7 बजे से पहले उस क्लासरूम में पहुंचकर उस मैसेज की पिक्चर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है, ताकि क्लास के सभी स्टूडेंट्स याद से मैसेज वाली बुक को अपने साथ लेकर आ सके। लेकिन क्यू धीरे धीरे इस सबसे काफी तंग आ चुका था, क्योंकि उस क्लास में कोई भी क्यू से अच्छे से बात नहीं करता था और उसे स्कूल में बाकी स्टूडेंट से 1 घंटे पहले आना पड़ता था, क्योंकि उसका घर स्कूल से बिल्कुल नजदीक है। बाकी स्टूडेंट्स में कोई भी 8 बजे से पहले आने को राजी नहीं था, क्योंकि उन्हें उस आत्मा से काफी डर लगता था और उनका घर भी स्कूल से काफी दूर था, जिसके कारण वो स्टूडेंट्स इस चीज के बहाने क्यू का फायदा उठा रहे थे। अब अगली सुबह क्यू 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका था, लेकिन वो इस बार अपने क्लासरूम में जाने की बजाय स्कूल के पार्क में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करता है। उस समय क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट्स क्यू के मैसेज का इंतजार कर रहे थे, जिसके कारण वो अपने क्लासमेट्स को नजरअंदाज कर देता है। और अब टैन नाम की स्टूडेंट क्यू से उस मैसेज के बारे में पूछती है। तो टैन क्यू की क्लास की एक लौती ऐसी स्टूडेंट थी जो उससे काफी अच्छे से पेश आती थी, जिसके कारण टैन की खातिर क्यू अपने क्लासरूम में जाकर उस स्पिरिट के नए मैसेज को बाकी स्टूडेंट्स को सेंड कर देता है, जिसके बाद वो उस क्लास बोर्ड में लिखे हुए उस मैसेज को मिटा देता है। ऐसा करते समय क्यू को वहां पर उस आत्मा की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। इसके अलावा क्लास स्टार्ट होते समय क्यू वहां पर किसी अजीब सी चीज का अनुभव करता है, तो वो देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो दृश्य देखकर क्यू काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन वो तभी उस अल्यूजन से सडनली बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ क्यू के क्लासमेट उसके सुबह लेट आने के कारण उसे काफी बुरा भला सुनाते हैं, लेकिन उस समय टैन किसी तरह से इस मामले को बिगड़ने से बचा लेती है। क्यू अब इस सब से काफी ज्यादा तंग आ चुका था। वो अक्सर किसी सोशल मीडिया ऐप का यूज किया करता था, ताकि वो अपने इस अकेलेपन को दूर कर सके। अब अगली सुबह क्यू 6:30 बजे स्कूल पहुंच जाता है। उस समय स्कूल में कोई भी नहीं आया था, जिसके कारण क्यू अपनी क्लासरूम की तरफ चला जाता है। तो वहां पर वो क्लास बोर्ड की तरफ किसी नए मैसेज को देखता है। तो इस बार क्यू उस घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि वो अपने क्लासमेट्स को प्रूफ कर सके कि इस चीज का संबंध किसी आत्मा के साथ जुड़ा है। क्योंकि कल स्कूल ऑफ होने के दौरान क्यू ने अपने बेंच के पास विटाया नाम के स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ देखा था। विटाया वही लड़का था जिसे एपिसोड की स्टार्टिंग में उस आत्मा ने मार दिया था, मगर उस श्राप की वजह से क्लास में सभी स्टूडेंट्स विटाया को भूल चुके थे। लेकिन अब विटाया का नाम पढ़ने के बाद
बाद क्यू को लग रहा था कि इस चीज का संबंध किसी अननेचुरल चीज के साथ हो सकता है, जिसके कारण क्यू अकेले उस स्पिरिट के मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि क्लास में कोई भी क्यू के साथ आने को तैयार नहीं था। इस दौरान उस क्लासरूम की वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्यू उसी आत्मा को देखता है जिसने विटाया की जान ली थी। उस समय उस स्पिरिट ने क्यू के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके कारण क्यू वहां पर बेहोश हो चुका था। होश आते समय वो अपने सामने टैन को देखता है, तो टैन का कहना था कि वो उस क्लासरूम में रिकॉर्डिंग करते समय बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ उआन नाम का स्टूडेंट अपनी मैथ की बुक को लाना भूल चुका था। वो वही बुक थी जिसका मैसेज आज सुबह की क्लास बोर्ड में लिखा हुआ था, जिसके कारण उआन काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि अब उसके पास काफी कम समय बचा था। तो वो अपने क्लासमेट से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कोई भी उआन की मदद नहीं करता। उस समय क्यू उआन की मदद करने का फैसला करता है, जिसके कारण वो स्कूल के दूसरे सेक्शन के बच्चों से उस बुक को बोरो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस समय किसी के भी पास मैथ की बुक नहीं थी, जिसके कारण उस समय उआन को उस आत्मा का एहसास होना शुरू हो चुका था, जो कि इस चीज का इशारा दे रहा था कि अब उसका समय खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ नोट नाम का स्टूडेंट टैन से बात कर रहा था, तो नोट टैन से पूछता है कि क्या वो क्यू को सच में पसंद करती है, क्योंकि आजकल टैन हर बार क्यू को बाकी स्टूडेंट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिस चीज को नोट ने भी नोटिस कर लिया था। तो नोट टैन के साथ रिलेशनशिप में रह चुका था, जिसके कारण वो टैन से सच जानना चाहता था। उस समय टैन नोट से कहती है कि वो सिर्फ क्यू का यूज कर रही है ताकि वो रोज समय पर आकर बाकी स्टूडेंट्स के लिए उस मैसेज को पढ़ सके। दूसरी तरफ ओवान को वैन नाम के स्टूडेंट के बैग से अपनी बुक मिलती है, जिसके कारण वैन सबके सामने कन्फेस करता है कि वो अपनी मैथ की बुक को अपने पिता की गाड़ी में भूल चुका था, जिसके कारण उसे मजबूरी में ओवान की बुक को चुराना पड़ा। उस समय क्यू पीछे से उन दोनों की बातों को सुन लेता है, जिसके कारण वो वैन को एक जोरदार पंच मारता है, क्योंकि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय क्यू के ऊपर इस चीज का इल्जाम लगा रहा था। खैर, अब उनका समय पूरा हो चुका था, जिसके कारण वो स्पिरिट उआन को जान से मार डालती है, क्योंकि समय पूरा होने से पहले वैन ने उआन की मैथ की बुक को उससे छीन लिया था, जिसके कारण बेचारे उआन को इस आत्मा का शिकार बनना पड़ता है। अब अगली सुबह उस क्लासरूम में क्यू के अलावा और कोई भी नहीं आया था, क्योंकि आज सुबह क्यू ने अपने ग्रुप में किसी गलत बुक के मैसेज को भेज दिया था, जिसके कारण क्लास में क्यू को छोड़कर कोई भी सही बुक को लेकर नहीं आया था, जिसका हर्जाना उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। दरअसल क्यू ने कल सुबह टैन और नोट की बातों को सुन लिया था, जिसके कारण उसने अपना बदला लेने के लिए क्लास बोर्ड के मैसेज को बदल दिया था, और उसी परिणाम के चलते क्यू आज उस क्लास में बिल्कुल अकेला बैठा था, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उस आत्मा द्वारा मारे जा चुके थे। इसके अलावा एपिसोड की एंडिंग में रिवील किया जाता है कि वो आत्मा एक टीचर की थी, जिसने अपने जिंदा रहते स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को मारकर सुसाइड कर लिया था, और उस दिन के बाद से ही क्लास नंबर 64 में वो मौत का सिलसिला आज भी चल रहा था, जिसके बाद उस एपिसोड को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। तो यह थी दोस्तों स्कूल टेल्स के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की आगे की एक्सप्लेनेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।